नमस्कार, मैं हूं गोपाल। आप हैं आपका अपना YouTube चैनल गोपाल टीच फॉर यू पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक साइड न्यू ई रिक्शा है। और मैं आप सबको बता दूं, हमारे इस चैनल पे इस ई रिक्शा को लेके काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था। जैसे कि एक साइड नियो ई रिक्शा पे जो हैंडल बियरिंग होता है, इस बियरिंग का नंबर कितना है, और भी काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था इस ई रिक्शा की हैंडल बियरिंग किस तरीके से चेंज करते हैं, इस ई रिक्शा पे कितना नंबर की मोटर कंट्रोलर लगा हुआ है, और इस ई रिक्शा का जो टायर होता है इसका नंबर कितना है। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ एक साइड नियो ई रिक्शा पे कितना वाट की मोटर कंट्रोलर लगा हुआ है। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस ई रिक्शा की मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मोटर आप देख सकते हैं, ये गोल्डन कलर की है, और ये मोटर हमारा 1000 वाट का है। और इस ई रिक्शा को पीछे से आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है पीछे की जो सीट होता है बैठने का, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस ई रिक्शा की फिनिशिंग, जो कि काफ़ी अच्छा से इस ई रिक्शा को बनाया गया है। इस ई रिक्शा पे जो टायर का यूज़ किया गया है ना, वो हमारा 375/12 की टायर है, और यहाँ पे जो है हमारा एलो व्हील का यूज़ किया गया है। तो चलिए जल्दी से फ्रंट की ओर चलते हैं, और यहाँ पे इस फ्रंट के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देता है हैंडल, और इस हैंडल के बारे में आप लोगों को अभी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिजिटल मीटर, इसके ही ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है रियर व्यू मिरर, और इसके ही नीचे हैंडल के नीचे आपको देखने को मिल जाता है एक बॉक्स जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे MP3 साउंड सिस्टम मिल जाता है, और इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी कमाल का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ई रिक्शा की लॉक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिजिटल मीटर है ये हमारा ऑन हो चुका है। और यहाँ पे एक साइड न्यू लिखा हुआ जो ब्रांडिंग लोगो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस डिजिटल मीटर पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वाइपर मशीन। इस ई रिक्शा पे आपको और एक स्विच देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल ई रिक्शा पे दिखाई नहीं देता है। तो चलिए इस स्विच के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो स्विच है ये हमारा 4 इंडिकेटर की स्विच है, और ये डिजिटल मीटर पे भी आप देख सकते हैं 4 इंडिकेटर शो हो रहा है। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूँ, ये जो स्विच है ये हमारा हेडलाइट की स्विच है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको अपर डिपर स्विच मिल जाता है, उसके ही नीचे आपको इंडिकेटर राइट एंड लेफ्ट वाला स्विच देखने को मिल जाता है, और इंडिकेटर के नीचे आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। इस ई रिक्शा को जैसे ही आप रिवर्स में लगाएंगे, तब हमारा जो रियर व्यू मिरर है वो डिस्प्ले में बदल जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रिवर्स में लगाया हूँ, और ये जो मिरर है ये एक डिस्प्ले में बदल गया। आप देख सकते हैं इस ई रिक्शा में आपको मिल जाता है एक अच्छा क्वालिटी का कैमरा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, और इसके साथ साथ आपको रूम लाइट भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई देता है एक पंखा लगा हुआ है, जो कि गर्मी में ये काफ़ी काम का चीज़ है। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं, और एक रूम लाइट आपको बीच में मिल जाता है। मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे फ्रंट में जो जगह दिया गया है ना, यहाँ पे आसानी से आप 3 आदमी बैठ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस ई रिक्शा की इंडिकेटर और हेडलाइट को जला के फ्रंट से देखते हैं कि कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइट और 4 इंडिकेटर जलाने के बाद इस ई रिक्शा काफी खूबसूरत लगता है। इस ई रिक्शा पे आपको देखने को मिल जाता है एक मोबाइल चार्जर। इस ई रिक्शा की बहुत सारा खासियत है, अगर आपको फुल डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा वो वाला वीडियोस पे जा सकते हैं। इस ई रिक्शा की ब्रेक पैडल और हैंड ब्रेक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस ई रिक्शा की ड्राइवर सीट को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट सामान भी रख सकते हैं, और दोनों साइड पे 2 बैटरी लगा हुआ है, और इसके ही जो हमारा बीज वाला बीज में भी आपको काफ़ी सारा जगह मिल जाता है। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूँ, इस ई रिक्शा पे आपको
मिल जाता है 1000 वाट की एक कंट्रोलर, और पीछे का जो सीट है इसको ओपन करते ही आपको दो बैटरी देखने को मिल जाता है, और इसके ही बगल में आपको गोल्डन कलर की 48 वोल्ट 1000 वाट की कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। इस ई रिक्शा पे हैंडल बियरिंग दो अलग अलग नंबर की यूज किया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं इस ई रिक्शा की हैंडल बियरिंग का नंबर। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।